Dero i greti jeng lekla. Dero i re. Sach gre dero teri kasam ganda maadi. अब ये भी जा रहे हैं साथ में, बोला साथ में जाएंगे। आज भाई जाना देख दौड़ दौड़िया। आज भाई ये डर है नहीं जी। उच्च बाबा जाओ एक देखो वहां पे गया। जल्दी आवा सच्चे, तेरी कसम चढ़ चढ़ लग रही होती। सवाल गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग आए हो? बढ़िया, शानदार हो, जबरदस्त हो, तो मैं भी अच्छा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज प्लाजक। आज अभी ये हमारा तीसरा अटैम्प्ट है, तीसरी बार जा रहे हैं। दो बार जाने की कोशिश की लेकिन हम कभी पहुँचे नहीं। तो आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है बात। तो मेरे साथ है, देखो स्माइल है, अज्जू भाई है और राहुल है। राहुल कहाँ गया? वो क्या थी से ए अटोपा बाहर। ओए गाइस फंस गया है, आओ इसको और फंसाएंगे। लेट अस बी गो। मर साले को मर, खोपड़ी में मारी। देखो बर्फ चलो ना। और ये जाने वाला है छप। ये बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। इसलिए कहते हैं आराम से आ जाओ। सो फाइनली टॉप ऑफ द एंड, लगभग आधे रास्ते पे पहुंचे। और अति होगी है क्या बोला सर? एनर्जी बूस्टर। ये हमारे गाइड है मिस्टर स्माइल, जो ऑल ऑफ यू गाइस से बूम चिक रक चिक बूम नाच। ओ बताओ सर, ओ करके बताओ आप अपना। बूम चिक रक चिक बूम, बूम चिक रक चिक बूम, बूम चिक राका चिका रक चिका बूम, रक चिक बूम। सर आप कहाँ से? रास्ता तो ऊपर से। बूमा चिका राका चिका रक चिका बूम, बूम चिक बूम। और पेट्रोल की बोतल लेके आ गए हैं, फेंक तुम दी। हाँ। क्यों फेंकी? ठीक है ना भाई, पेट्रोल की बोतल कहाँ गई? कम ऑन गाइस, लेट्स मेक अ न्यू रिकॉर्ड। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है जहाँ पे हमने आराम किया, बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, बेंच बना सकते हैं। ये बेंच इन्होंने बनाया है, हमारे कैप्टन ने। एट यस्टरडे नाइट। या जिंदगी में गाइस कुछ भी कर लेना पर ऐसे मोटे इंसानों को गाइड मत बनना। वाह क्यों? ये बहुत दौड़ते हैं। आ गया ना पहली ट्रिप में, तुम्हें पहली रेस्ट में यहाँ पे। तुम होते तो इस टाइम हम तीन रेस्ट कर रहे होते, इस टाइम हम उधर होते। अब हमने पहले दिस इज आई एम भाई, तुम्हें पता है ट्रैकिंग करना कोई वो नहीं है कि तुम फिट हो तुम ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग का एक रूल होता है, सबसे पहले अपनी एक डेस्टिनेशन चूज करो, वहां तक मत रुको, चाहे आराम से चलो, रेस्ट मत करो, तब तुम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। समझे गाइस? गाइड और जो ट्रैवलर होते हैं उनमें, गाइड जो होता है उसको हर एक चीज का पता होता है, और ट्रैवलर क्या होता है, चले हुए हैं, पता इतने दूर जाना है, रेस्ट करते हैं, थक गए बैठ जाते हैं। नाउ ही इज अ कैप्टन, कैप्टन रैम्बो, कैप्टन टाउ। सबसे आइए मैं बोल रही हूँ सी गाइस, सी डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन फिट एंड फिट एंड फैट फैट लोग गाइड एंड ट्रैवलर फैट लोग ट्रैवलर नहीं गाइड चाहे फैटी दिखे लेकिन आप उनके ऊपर शक मत करना कभी वरना आपकी ऐसा हालत होगी। इन्होंने कहा था कि ये कभी पहुंच नहीं पाएंगे ऊपर। कौन? मैंने नहीं कहा था। जैकी भाई ओ जैकी भाई सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूं। एक बिना रेस्क्यू हम यहाँ पहुंचे हैं। इनको मैंने ही यहाँ पहुंचाया है। स्माइल को हमने दिए थे बूस्टर क्योंकि हमारे पास एनर्जी बूस्टर है। आई वाना बूम चिक बूम, 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 आई वाना बूमा चीका राका चीका रक चिक बूम, आई वाना बूमा चीका राका चीका रक चिका बूम। सो गाइस ये वो जगह जहाँ पे हम पिछली बार यहाँ से वापस हो गए थे। आज भाई इतने थे, ये था भाई, ये था वहाँ ऊपर चले गए थे सीधे मोटी प्यारी जगह ऊपर। बस ये हमारा लास्ट स्टॉप है। इसके बाद हमें कुछ ही नहीं पता कब कहाँ हमें कहाँ जाना है। मुझे पता है, बस इसको पता है, वो भी मेरे को शक है। ये तो भाई का मंजर, बहुत सारे डाल ये लगा था टेंट है पर मैं रात डाल वही हूं। एक एक मुक्के पार थे मैं ना, चार मुक्के आते इस मुंह दौड़ गांड फोन करो इन नहीं पाए उन्होंने। ओए क्रोच में है सबूत भी नहीं होना, क्रोच में आ जाते हैं। सी गाइस अपना मुंह अगर ना बोलता और क्या सबूत है। मैं तो वीडियो बनाई इतनी तो है। सी गाइस जो बाइक का कहना है प्लाजा के पीछे मिनी स्विट्जरलैंड है, देखते हैं। अब स्विट्जरलैंड तो नहीं देखा, मिनी देख सकते हैं। So guys, welcome to Plazak. See, अभी बर्फ है, अभी बर्फ है। बर्फ नहीं हुआ आइस है। आइस हाँ। और ये प्लाज के पीछे। आज भाई वाला वीडियो बना वाला डग बना। आ रही बेपारी बोलना। ये YouTube शाना। खेल खेल दिया मैं चाहता तू डगे पाओ एक अच्छे चिपल दे ली यही तो फर्क है गाइड और ट्रैवलर में। टांग मुंड पाने भी तो इधर आते ही मोटी ठंडी हो जाएगी, मोटी ठंडी। मतलब यहाँ पे बारिश हुई तो समझ लो कि यहाँ पे पड़ जाएगा आपका बर्फ, पड़ जाएगा 100%। रील बनाओ है चल गाइस। ये इसको कहते हम शान। और आया बाबा आया सुंदी गिरमा दी। और यहाँ आते हमारी बर्फबारी शुरू हो गई और हमें बहुत ही ज्यादा शेड़ा लग रहा है। और हमको काकड़ भी मिला बीच में, तो यहाँ आते बर्फबारी शुरू हो गई। ये बहुत ही अच्छी बात, हमारी सिस्टम बहुत ही प्यारा हो गया। और मत बांधो लग लग रही गाइस इत करो इत बड़ा वीडियो आ बांध मुख पकड़ 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 ये पकड़ ओए मत ओए कुछ नहीं आनी होगा कुछ कुछ चल मार स्माइल एक अच्छे भैया हाथ बताओ भैया हाथ क्या हुआ इसको अरे देखो यार लहाल लग रे भाई गाइस 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 तो ये हम पहुंच गए प्लाजक प्लाजक वैली। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली और आपका सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा भी नहीं। सी तो आप इधर आ सकते हैं, आपको बस ज़्यादा टाइम लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। आप डेढ़ ज़्यादा से ज़्यादा दो ज़्यादा टाइम लगेगा बोला डेढ़। और सिर्फ एक जगह चढ़ाइए, बाकी बिल्कुल आपको ऐसा ऐसा रास्ता है, मस्त मजा आएगा गाइस। वाओ
इधर देखो यार इधर, इसको बोलते हैं ध्रुना। ऐसे ऐसे पेड़ होता से खड़ा कर देते हैं बाबा मीर मोहन सी। ये देखो, और ये पुलिया, प्लाजक की पुलिया, लोगों ने काम कैसे किया होगा इसमें। सी गाइस, वो चालू था है कि निकली है जी। इधर कह सकते हैं आपकी भगवान ये रहते हैं यहाँ पे। सी जय हो गाइस, गाइस 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 गाइस, वाव, जस्ट लुकिंग वाव। तेरा निमाला मां जे देखी की दी होंगा केड़ा होंगा क्या बोलते हरा भरा फूल। वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यहाँ है परम शांति। और ये बहुत ही प्यारा देख के छल्लू लटका दे है ना। मैं तो देख देख सुनते थे वीडियो शूट लगाने आऊं बाबा बैन वगैरह से पता नहीं यार की दिवाली नहीं So guys, आप यहां आ सकते हैं और यहां पे बर्तन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये धोखे रखने पड़ेंगे ऐसे जैसे थे वैसे के वैसे। और आपने कुछ भी यहां से चुराया तो आप खत्म। ओ तेरी पूरी धाम बना सकते थे, दोनों जो बीम बार सब कुछ हर एक सुविधा मिलेगी आपको हिमाचल आएंगे तो आप। ये मतलब बहुत ही प्यारा, अरे पता नहीं किसने पट दी है, पट दी है किसने आप लग बार है। तो ये कुछ नहीं गाइस, ये पत्थर है। आज हम यही खाना बना। और ये ओए सुने जी वैसे ओए, और ये सोने के लिए गाइस, कहां जिस गधे ने भी तोड़े हैं। अरे इन साफ करते कुछ नहीं है, देख लो कमल कुमल है था आज भी आते तैयार है पर खाने जी नहीं है। खाने जी बंदा चार सूट रख दे पर पनी के चक्रे। तो बहुत ही प्यारा सिस्टम है इधर, ये तो आ रहा है इतनी बार की लिखने अंदर से बार बार भाई दिक्कत हो जानी। यहाँ पे पानी भी है, पानी पता नहीं आता कि नहीं आता, शायद जमा हुआ है ये। ओ एचएम करने वाला देखो वाला, वाह वाह विकी भाई ये देखो सो प्लास्टिक कर निकलता टेढ़ा जूस है टेढ़ा निकलता ला रहा है। एचएम करने वाला देखो वाला है ती दामे कर लावा है कलुआ 10 लेस कलुआ देख भाई वो बंदे ये यार ए भगवान ए भगवान ये। तो अपन लोग आए इधर पानी भरने और राहुल बोलता मैं इधर नहाऊंगा। तो क्या ये नहा सकता है? नहीं नहाता, बिल्कुल नहीं नहाता। इधर देखो बर्फ बर्फ जमा है, देखो इधर देखो सी, और ये नहाएगा तो गाइस मैं ऐसा कर रहा था कि मैं पानी अभी भर रहा था तो राहुल ने पानी भरा सटो टोल, अभी राहुल नहाएगा ठीक है। हाँ ठीक है, तो राहुल अभी नहाएगा ठीक है, तो वो नहाने वाला है ऐसा नहीं है, वो अभी नहाएगा मेरे को पता पक्का नहाएगा वो, पर पता नहीं वो नहा पाएगा कि नहा पाएगा। गाइस डूब गया राहुल, डूब गया, डूब गया राहुल, राहुल डूब गया गाइस, राहुल, ए राहुल, राहुल कहाँ है तू? राहुल नहीं मिल रहा गाइस, कहाँ गया? कहाँ गया वे? राहुल कैसे गिरा? पता नहीं कहाँ गया गाइस। मर गया, मर गया, मर गया राहुल, मर गया। So finally गाइस बर्फ लगी, कहाँ लगी? दिख रही? नहीं दिख रही।
स्वान दिख रहा था। ए दिखा बीच में तो दिख रहा थोड़ा थोड़ा। दिख रहा दिख रहा दिख रहा भाई। गाइस ये हिमारा घूम घूम के मोटारा घूम घूम के भाई ऐसे बोलते घोड़ी फिरना की दिमाग। और ये मोटाई मतलब कांड हो गया इधर। गाइस बर्फ लग पड़ा है हिम भाई मोटी की दी फिर रिमार्क्स देख ला। भाई वीडियो की नहीं आवड़ा इतना तगड़ा रिएक्शन समझ जाए सकता थोड़ी देर बाद रिसेप्शन दे। और कुछ बोल तू खड़खड़ स्माइल भाई दूध जाए तूफान ला रहा था। एस ए ए साइड चला ए साइड ला रहा ना ए साइड ला रहा तू चला आओ ए खड़े खड़े। सो फाइनली गाइस बर्फबारी हो गई है। अब तो बर्फ पड़े ना पड़े कोई टेंशन नहीं। मैंने देख ली बर्फ अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो काले काले हाथ चल पड़ेंगे कोई वो नहीं है। देखो आहा जिंदगी सफल हो गई हमारी जिंदगी सफल हो गई बस। सो मैंने बताया था ना आपको प्लान चुका है। और अरे देखो तो सिर्फ फोन ना पीछे पहले ले रहा चामड़ी फूकी गई भाई चामड़ी फूकी गई आजू बैठा ये देखिए एक्साइटमेंट बहुत एक्साइटमेंट ये बहुत ही जोश है सर। हाउ इज द जोश। नहीं सर आराम से बोलो यूं चला जाएगा सर। वाओ 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 सो फाइनली गाइस इस साल का फर्स्ट स्नोफॉल पकड़ा था सिस्टम सिस्टम कर सिस्टम नाच मुंडा लग रहा एक का कहते हैं गाइस सिस्टम सिस्टम सो फाइनली गाइस ये अब बहुत ज्यादा हो गया बर्फ बहुत ही ज्यादा है बहुत ज्यादा न्यू बड़ वाला गिर था बहुत ज्यादा हो गया बर्फ। क्या बोलते हैं मैं बोला कि जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जब देता है तो कम ही ज्यादा नहीं देता फिर वो देता है जितना उस हमारी कात से बाहर। ओके इसलिए मांगो क्योंकि भगवान के पास तो कोई लिमिट है नहीं जितनी तुम्हारी औकात है वो कात से डबल मांगो। अभी मैं मांग लूंगा कि बर्फ ना गिरे हीरो की अच्छा लगनी गिर गिर के लगी मर जाना भाई छे की जाना बर्फ थोड़ी ज्यादा ना बस इतनी रह छोड़े ज्यादा भी नहीं हो कंटिन्यू लग रहे बस अब रोड में पहुंच जाए ये भी मांग तो फाइनली इस साल भी बर्फ देख ही ली। आपको तो पता कहीं ना कहीं से बर्फ देख ही लेते हैं हम कहीं कहीं दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हो या कहीं भी गिर रही हो पहुंच ही जाते हैं। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है हमेशा। हमारे यहाँ तो मतलब बारिश भी नहीं पड़ रही है बारिश ही नहीं हो रही यहाँ पे कम से कम बर्फ नसीब में है। मैं तो वीडियो बनाने वाला था इंद्र देवता से बोल के इंद्र देव जी कहाँ है बारिश मेरे बैग में देखो सी। और हमारा देखो खाना ऐसा क्या सा रह गया ये सारी लकड़ी जल गई। तो गाइस क्लोज हो गया हम मैगी लाए थे छः मैगी भूल गए। देर इज नो मैगी वेर इज मैगी देर इज नो मैगी। तो सब अब हम अब ये चिकन खाने वाला नहीं था अब इसको चिकन खाना पड़ेगा। देखो क्या लग रहा दिख रहा ये हमारे दो दो ये बटर है ये बटर है भैया। और क्या चाहिए जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए भैया बस एक टेंट चाहिए था और थोड़े से बिस्तर चाहिए था। बिस्तर तो चाहिए था ऊपर देखो आसमान साफ 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 और बर्फ बर्फ मतलब हम बहुत साफ जो हमने मतलब स्नो देख ली बड़ बड़ भाई एक और बस ये कुछ नहीं इसका नहीं कुछ बस हो जाना हो बस 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 बड़ हाँ होना चाहिए इसके बस भाई
आसमान साफ हो गया गाइस। आफ्टर 15 मिनट बाद गाइस लेट्स गो। भाई साहब ये नहीं खोल दिए बड़ा बिरयानी। तो गाइस खाना बन गया है और अब हम खाएंगे खाना मस्त। तो ये देखो बैठ गया है लुस्टी गाइस। तो कम ऑन गाइस गिव मी थलुआ थलुआ में बैठे ऑन ड्यूटी। तो ये समझ लो ये आएगा मजा हमको। मैगीरी मैगी मसाले पर चखेंगे हम। यार नमक इसमें बहुत ज्यादा है ठीक ही है इतना भी नहीं है। है बिजी बिक रही ले ले और अपने साथ लेना। कैसा लगा सर? 9 से थोड़ा ऊपर 10 से थोड़ा कम। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं एक तूफानी चैलेंज करने जहाँ पे स्माइल स्माइल जो है जमे बर्फ के मतलब पानी के अंदर मतलब होगा कोई 0 या माइनस 1-2 माइनस माइनस क्या गल करता जब जमी गिरता माइनस में होगा पानी और उसमें वो दो पैर दो हाथ डालेगा और 5 मिनट तक और मिलेंगे इसको 1000 रुपए। मैं तो 50 रुपए हार गया इससे ना बता दो अभी 5 मिनट 5 मिनट के लिए आश रखा था बता देता हूं मैं बता ये वो 50 रुपए हैं पर इस बार नहीं रख पाएंगे मुझे पूरा विश्वास। I don't know man, मैं तो confused हूँ। मैं तो बहुत excitement हूँ, बहुत excited हूँ। excitement कूट कूट के भरा है लेकिन smile को इतना confidence है, इतना confidence है कि ये confidence भी है पर 1000 में देख के हो जाता है यार। हो क्या पता नहीं भगवान जाने मेरे को तो लग नहीं रहा। I don't know man, कुछ ही हो सकता है। चलो देखते क्या होता है। सो गाइस स्माइल आगे आगे ये तो थी बजाना था चलो तक दे मरने टेम्परेचर है क्या फर्क होना ये तो गाइस जमा हुआ है विजुअल बोर्ड भी तोड़ना चाहिए इसको कि नहीं अच्छा। तो चैलेंज शुरू होता है अब देखते हैं। लेट्स गो 1000 रुपए 1000 रुपए मिलेंगे आज भाई देख मोटा बैठ ये आंद्र फोन छोड़ दे टाइम नोट कर ले 1 सेकंड में थोड़ा चेक तू टाइम नोट कर चेक कर रहा क्या क्या लगता हो भी सकता है आई डोंट नो रुक जा मैं डरा के पूछता अभी टाइम स्टार्ट होएगा। आज भाई आ जाओ सारे रेडी स्टेडी पहले इधर पहले अंदर तो बड़ा ऊपर कर रहे स्माइल 1000 रुपए ला रहे शूज देना मैं चेक कर लगी है बाहर में तो कॉन्फिडेंस का लूज हो गया थोड़ा मेरे पैसे आते हुए दिख रहे हैं बच गए थोड़े। चल चल बाबे बैठ जा पड़ जा। 3-2-1 रुको आधा हाथ कर थोड़े बस। तो ये चैलेंज शुरू हो चुका है इधर हो चुके 6 सेकंड और स्माइल इधर वे 6 सेकंड सेकंड क्या तारी मारनी तो हमने नलके के नीचे हाथ रखे बहुत बड़ी थी पर काले फंस गया भाई एक
इधर गाइस देखो, इधर देखो गाइस यार, इधर देखो, तभी तो यार लाए थे। हमको कौन देगा पैसे, हम भी रखेंगे, हम भी खेलेगा। मैं देगा 4000 रुपए, मां कसम। आज आंध्र जाऊं भाई, पैर रख 5 मिनट कर, पैर के हाथ नहीं नहीं हाँ जा सकता, पर पैर हाथ नहीं रख सकता। हाँ नहीं सकता ना, बस कितनी कर सकता, हाथ रख सकता। मोटी जमी नदी यार, तो स्माइल चैलेंज हार चुका है बड़ी बुरी तरह, पका पड़ेगा, यही तो कंटेंट है, इसलिए तो हमने जीत लिया था। हाँ जा रहे हैं। तो गाइस ये मुंह डाल रहा है, मुंह डाल, मुंह अंदर डाल। नहीं है ठंडा, तभी तो ये देखो लाल लाल हो रहा है, इसके लाल लाल मुंह का राज। अब ठंडा था। चलो जी भाई, लास्ट बार रहेगी, लाल मुंह ही रहा है। चलो जी भाई, जा 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 जा। ये अजमाई जाया अपनी अपनी रण देवे लाल मुंह आवाज भाई, इधर अभी पाल एक और मेरे अब हमारे इतना ठंडा नहीं है गाइस, ये तो झूठ की बात है। पहली बार लग दो बेटा, हम तो आंख भी खोले गाइस, इतना ठंडा। मैं भी खोल रही, ठंडा ठंडा लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। चलो अब हाथ पैर से कुछ नहीं होने वाला, तो अब सिर डालेंगे, ये डालो सर डालो। कैसा लगा? चल तुझ फिर पा, अब लगा ना, अब थोड़ा अब तो लगाओ ना, अब तो झण 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 झण। मैं बोलता ना गैस फ्रिज वाले पानी रोंदे, मैं ले के आ जाए ना, फट जाने दी नहीं। तो गाइस ऐसा हुआ कि हम दोनों स्माइल के साथ आ गए नीचे दरिया के किनारे से, तो हमने सोचा कि हम यहीं से जाएंगे और हम खाते खाते आज ही भाई, और स्लोस्ट चला गया ऊपर से, रास्ते जहाँ से आए थे, जहाँ से आए थे पिद्दू साहब। तो अभी हमारे मन में डाउट है क्योंकि कहीं बीच में रास्ता संकरा हुआ था, हमारे लग जाएंगे ठीक है, पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल तो जाएंगे हम, इतना तो भरोसा है। रिस्क है तो इस कह, देखो यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है, सी तो खजाना तो बना रहा सोने, और हम खजाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर सोना मिलता है, हाँ दोस्तों जो इस बल्दे फूल गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना, पर ये अपल रखना चाहिए क्योंकि ये धन आकर्षित करता, तोड़ देता। तो गाइस इसको मैं बहुत ढूंढ रहा था घर में बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं फूल गोल्ड। तो ये आपको अगर ऑनलाइन लेने जाओगे तो ये इसकी कीमत है 1000-2000 रुपये ठीक है, जो धन को आकर्षित करते बोला मैंने तो ऐसा सुना ना। जो ऑनलाइन बिकता है ये ठीक है, ये तो कुछ भाई मतलब अलग ही माल मिल गया। शिट यार टूट गया दे मरने, आज नहीं उठाने हो मिला से मतलब सोना साड़े हो आख हों पूरा सोने से होंगे नया, बस भाई जाना साड़ा है। सी गाइस फुल गोल्ड। तो गाइस देखो स्माइल, देखो स्माइल फुल मेहनत करते हुए, वो कल्टी रहा पांख हो ए चुरा चेक कैसो, और मैं बता रहा करडी का पांख वो है ये, सी देखो ए स्माइल
तो स्माइल आ रहा है इधर से। वीडियो बनाई? हाँ। सीधा मारो, छान मारो। तो हम दोनों मतलब बड़े टाइम से ऐसे यहाँ से वहाँ से यहाँ आ जाए। गाइस, ये गाइस हमारा सोना देखना चाहोगे? दिखा दिया मैंने गाइस को सोना, कसम से ना। स्माइल, मेरी बस धड़कन लाई थी, पड़ी बाकी कुछ नहीं रहा। मतलब एक एक्साइटमेंट नहीं होता, बोल ना इतना आगे क्या होना, इतना आगे क्या डालना, कसम से गंदा एक्साइटमेंट बज रहा है। डंडा दे। तो गाइस, इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। हुआ हमारे साथ ऐसा कि हम लोगों ने जैसे स्माइल के साथ नीचे डिसाइड किया था कि हम दरिया से होकर जाएंगे और अजू भाई और लोस्टी चला गया ऊपर रास्ते से। तो मेरी धड़कनें तो पहले से ही बढ़ गई थी, पता नहीं शायद कुछ कह रही थी कि भैया रुक जाओ, मत जाओ, ऊपर से जाओ रास्ते से। आगे हमारे साथ ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से ऐसे पहाड़ पत्थरों के और बीच में ऐसे पूरी डैम बना हुआ। अब हम वहाँ पे फंस गए दोनों। फिर क्या हुआ कि एक बार तो मैंने सोचा कि चलो तैर कर पार कर लेते हैं, ठंडा पानी कोई बात नहीं। फिर याद आया कि स्माइल को तो तैरना ही नहीं आता। उस टाइम अंधेरा हो गया था लगभग, तो थोड़ा सा बचा था, थोड़ी थोड़ी लाइट थी। तो हमने जाहिर किया जो पर रास्ता मेन वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ से चढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसा था। ऐसा करके मैं बोलता गया स्माइल को, भाई चल 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 चल, लाइट से लाइट जाने से पहले रास्ता ढूंढेंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा चढ़ते कि पूरा अंधेरा हो गया। और चढ़ते गए भाई, उस रात उस दिन मतलब क्या बताऊँ, मतलब कुछ अलग ही सीन हो गया था। तो फिर पहुँच के हम सेफली पहुँच गए थे ऊपर, उसके बाद रास्ता पकड़ा और उसके बाद गए। तो बहुत टाइम लग गया था, लगभग एक घंटा वेट किया उन्होंने अजू और लोस्टी ने। तो ऊपर से सिग्नल भी नहीं था। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है अब उस एक्सपीरियंस के बाद कि आप कभी ऐसा ना करें, हमारी तरफ बेवकूफ़ी ना करें, अपने दोस्तों से अलग ना हो। जिस रास्ते जाना किसी भी रास्ते जाओ, लेकिन साथ में जाओ। एक तो रास्ता बदलो मत पहली बात, फिर भी जाना है तो साथ में जाओ, क्योंकि हमारे साथ बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था। क्योंकि क्या है कि ऐसा भी हो सकता था कि अजू और लोस्टी हमें ढूंढने आ जाते नीचे से दरिया से होकर, हम ऊपर से पहुँच जाते और फिर हम उनका वेट करते। फिर ऐसा सब मतलब बहुत ही खजल हो जाना था हम लोगों ने। तो शुक्र है कि उन्होंने वेट किया और हम पहुंच गए वहीं पे। तो आपसे बस यही उम्मीद है, आप ऐसा ना करें। मैं तो सीख गया हूँ भाई, उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छा भी था, मज़ा भी आया बहुत, लेकिन फिर भी डेंजर हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। तो ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। और मैं थोड़े शॉर्ट्स लंबे डालता हूँ क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीज़न है। मैं सोचता हूँ कि कभी हम आगे देखेंगे लाइफ में, तो हम होता है ना कि यार काश थोड़ा सा और डाल दिया होता, इससे हम क्या कर रहे थे। तो उस हिसाब से करता हूँ मैं थोड़ा। बाकी ठीक है गाइस, बाय बाय।